अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप, और आज हमारा लेसन नंबर है 16। हम सीख रहे हैं दोस्तों ट्रेवल के बारे में, स्पेनिश में और इंग्लिश में, ठीक है। तो जो दोस्त लेसन पढ़ना है उन्हें चाहिए कि लेसन नंबर 1 से फॉलो करें तो सब समझ में आएगा। तो चले हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या है, सुनते हैं। En el aeropuerto. En el aeropuerto. इसका मतलब उर्दू में होगा हवाई अड्डे पर, और इंग्लिश में होगा एट द एयरपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ ट्रेन मतलब एक रेलगाड़ी उर्दू में, इसी तरह होगा ना, एक रेलगाड़ी। और स्पेनिश में किस तरह से होगा? उन ट्रेन। आगे बढ़ते हैं। उन बोले तो आ मद्रिद। एक टिकट मैड्रिड के लिए उर्दू में इस तरह बोलेंगे, और इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? अ टिकट टू मैड्रिड। अ टिकट टू बार्सिलोना, उर्दू में बोलेंगे एक टिकट बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना शहर होता है स्पेन का, मैं बता चुका हूँ। अच्छा, तो इस जुमले को हम स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? आ टिकट को कैसे बोलेंगे? उन बोलेटो। टू को क्या बोलेंगे? आ बार्सिलोना। बार्सिलोना। उन बोलेटो आ बार्सिलोना, एक टिकट बार्सिलोना के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। टू दिनेरो। पहले इसको तरतीब से लिखते हैं। दिनेरो। टू दिनेरो मतलब होता है योर मनी, आपके पैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन बोले तो आ मद्रिद। अब हमें ये लिखना है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है एक टिकट मैड्रिड के लिए, उर्दू में इस तरह बोलेंगे, और इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे? आ टिकट टू मैड्रिड। ठीक है, आ टिकट टू मैड्रिड। उन बोले तो आ मैड्रिड, एक टिकट मैड्रिड के लिए, इंग्लिश में बोलेंगे आ टिकट टू मैड्रिड। ¿Dónde está tu pasaporte? पहले इसको तरतीब से लिखते हैं। ¿Dónde? Está tu pasaporte. आप स्लो में सुनते हैं, हमने सही लिखा है। ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Dónde está tu pasaporte? इसका मतलब उर्दू में होगा तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, या आपका पासपोर्ट कहाँ है, और इंग्लिश में किस तरह से होगा? वेयर इज योर पासपोर्ट। ठीक है, नीचे देख लें, लिखा हुआ है टू दिनेरो। अभी हमने पढ़ा इसको, ये स्पेनिश में लिखा हुआ है टू दिनेरो, इसका मतलब होता है आपके पैसे, और इंग्लिश में किस तरह से होगा? योर मनी। योर मनी, ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा, अब हमें लिखना है ट्रेन का
तर्जुमा लिखना है स्पेनिश में। टेस्ट लिया जा रहा है, आप भी यहाँ पर वीडियो रोकें, देखते हैं आपको आता है नहीं आता है, लिख के देखें। द ट्रेन को स्पेनिश में किस तरह से लिखेंगे, आप वीडियो रोकें, मैं लिखता हूँ। ठीक है, मैंने तो लिख लिया, आपने लिखा। द ट्रेन को स्पेनिश में बोलते हैं एल ट्रेन, रेलगाड़ी। आगे बढ़ते हैं। एल ट्रेन, एन एल ट्रेन, इसका मतलब उर्दू में होगा ट्रेन के अंदर या ट्रेन पर। ठीक है, इंग्लिश में किस तरह से होगा? इन द ट्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा जी, इसका ट्रांसलेट लिखना है अब हमें। द बस को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, लिखते हम भी लिखें, वीडियो रोकें और लिखें। एल आउटो बस। ठीक है, आगे बढ़ते। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। योर बस इज हेयर, आपकी बस यहाँ है। इसको किस तरह से लिखा जाएगा स्पेनिश में, वीडियो रोकें और लिखें, पता चलेगा आपको आ रहा है या नहीं आपको भी। ठीक है, योर बस इज हेयर, आपकी बस यहाँ है। स्पेनिश में किस तरह से होगा? टू आउटोबस एस्ता अकी। द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को क्या बोलते हैं उर्दू में, हवाई अड्डा, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? एल एरोपोर्टो। ठीक है दोस्तों, ये तो था लेसन नंबर 16 स्पेनिश और इंग्लिश का ट्रेवल में। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।